हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में चुनाव आयोग द्वारा मतदान को शत प्रतिशत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं को घर द्वार पर ही मतदान की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। बैलेट पेपर द्वारा किए जा रहे हैं इस मतदान का शुभारंभ मंगलवार को किया गया। 4 दिन तक चलने वाले इस अभियान में चुनाव आयोग की विभिन्न टीमें अपने अपने पोलिंग बूथ के तहत आते 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग और दिव्यांग मतदाताओं का मतदान करवाना सुनिश्चित करेंगे। मंगलवार को इसी कड़ी में जिला मुख्यालय के नजदीकी गांव डंगोली में चुनाव आयोग की टीम ने बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं का मतदान करवाया। इस मौके पर टीम के साथ मौजूद सेक्टर अधिकारी उदित सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग की यह बेहद सकारात्मक पहल है। इससे एक तरफ जहां लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व चुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित होगी, वहीं दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं को घर द्वार पर ही मतदान की सुविधा उपलब्ध होगी। मतदाताओं से अपील करता हूं कि वो अपना मत इम्पोर्टेंस समझे और इलेक्शन कमीशन का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो इतने भी जो बुजुर्ग हैं, जो 80 साल से ऊपर हैं, जो कोई विकलांग है, उनके लिए घर में ही मतदान करवाने की सुविधा दी है। तो हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है, हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर, हमारे वीडियोग्राफी, हमारे पुलिस कर्मचारी और हमारे मेन कैंडिडेट जो BLO हैं, जो आशा वर्कर में हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा योगदान है कि जो हर हर घर घर जाके लोगों को मतदान की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। अब मेरी भी सभी मतदाताओं से गुजारिश है कि वो अपना मत की इम्पोर्टेंस जाने और 12 नवंबर को अपना मत दें। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में चुनाव आयोग द्वारा मतदान को शत प्रतिशत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं को घर द्वार पर ही मतदान की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। बैलेट पेपर द्वारा किए जा रहे हैं इस मतदान का शुभारंभ मंगलवार को किया गया। 4 दिन तक चलने वाले इस अभियान में चुनाव आयोग की विभिन्न टीमें अपने अपने पोलिंग बूथ के तहत आते 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग और दिव्यांग मतदाताओं का मतदान करवाना सुनिश्चित करेंगे। मंगलवार को इसी कड़ी में जिला मुख्यालय के नजदीकी गांव डंगोली में चुनाव आयोग की टीम ने बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं का मतदान करवाया। इस मौके पर टीम के साथ मौजूद सेक्टर अधिकारी उदित सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग की यह बेहद सकारात्मक पहल है। इससे एक तरफ जहां लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व चुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित होगी, वहीं दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं को घर द्वार पर ही मतदान की सुविधा उपलब्ध होगी। मतदाताओं से अपील करता हूं कि वो अपना मत इम्पोर्टेंस समझे और इलेक्शन कमीशन का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो इतने भी जो बुजुर्ग हैं, जो 80 साल से ऊपर हैं, जो कोई विकलांग है, उनके लिए घर में ही मतदान करवाने की सुविधा दी है। तो हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है, हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर, हमारे वीडियोग्राफी, हमारे पुलिस कर्मचारी और हमारे मेन कैंडिडेट जो BLO हैं, जो आशा वर्कर में हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा योगदान है कि जो हर हर घर घर जाके लोगों को मतदान की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। अब मेरी भी सभी मतदाताओं से गुजारिश है कि वो अपना मत की इम्पोर्टेंस जाने और 12 नवंबर को अपना मत दें।